अरे वो लोग ठाकुर हैं, सूर्यवंशी, हवेली वाले, अरे पैसा वाले लोग हैं, पैसा, रुतबा, ठाट बाट सब कुछ है उनके पास। अरे वो काहे हमारी बात मानेंगे? अरे जिस पर हम बरसों से विश्वास करते आ रहे हैं उसको वो अंधविश्वास कहते हैं। अरे क्या बीती है हम पर वो हम जानते हैं, हमने कैसे पाला अपने बच्चों को, किस तरह से परिवार चलाया हमको मालूम है, बाप के होते हुए भी, बाप के ना होने के बराबर। एक हमारे पति बेचारे गए थे नमक हलाली करने के लिए, क्या हुआ, खुद हलाल हो गए। ये हवेली वाले जिंदगी भर उनसे नौकरशाही करवाते रहे और अब हमारे बेटे से करवा रहे हैं। देख लीजिएगा पंडित जी देख लीजिएगा, एक दिन इसके ऊपर भी आरी चलवाएंगे वो लोग। अरे बस बा, आपको एक बात समझ क्यों नहीं आती है, बड़े ठाकुर ने मुझ में और अपने बेटे राज में कोई फर्क नहीं समझा है। 25 साल से जो बाबा की हालत है ना माँ, उसकी दवा दारू का खर्चा, मेरी पढ़ाई का खर्चा, सब कुछ उन्होंने किया है और उसके सामने मैं जो कुछ भी कर लूँ वो सब कुछ कम है माँ, लेकिन आपको ये बात नहीं समझ आएगी। हाँ हाँ, हमको कहे समझ में आएगी, तू जो समझदार हो गया है। माँ आप हाँ राज बोल। हाँ धर्म। अरे तू जहाँ कहीं भी घर आ जा यार, बहुत टेंशन होगी घर में। बात क्या है बता तो सही। बात तो सही बताता हूँ, माँ आप घर चली जाना, मैं हवेली जा रहा हूँ। क्यों क्या हुआ? पता नहीं लेकिन लेकिन कुछ तो हुआ है। धरम, देख लिया बहन जी, देख लिया, एक फोन आया और दौड़ा चला गया, पता नहीं कौन गुस्ती पिलाई है प्रेम की उन लोगों ने। अरे ये सब छोड़ो, सबसे बड़ा संकट वो शापित मंदिर, वो खुल चुका है और उस मंदिर का राज, वो तांत्रिक, वो काला सुर। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बोलिए ना, आप तो सब जानते हैं ना, बड़े ठाकुर पे आंखों के सामने कुछ नहीं देखा तो कभी नहीं मानेंगे, हम कुछ करने जाएंगे तो हमें भी कुछ करने नहीं देंगे, लेकिन आप कैसे, क्या होगा? अरे आप कुछ तो, मर्दे के पीछे से छुप के क्या सुन रहा था? कुछ नहीं पापा। कितनी बार कहा है कि छुप छुप के बातें मत सुना कर, ऐसी अधूरी बातें सुनना और मान लेना दोनों बहुत खतरनाक होता है। पापा मैं तो क्या, मैं पाई पाई छोड़ के तेरी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ ताकि तू जिंदगी में कुछ बन जाए, लेकिन नहीं, पढ़ाई में तो तेरा दिमाग ही नहीं है, कहते ही समझाओ अपने बेटे को, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है इसका। नहीं जी, वो बच्चा है, हम सब यहाँ पे है ना, इसीलिए आ गया होगा। बेटा तू जा जा। वो श्रापित मंदिर खुल चुका है, इसका मतलब वो कहानी भी खुल चुकी है जो मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, कालासुर की कहानी। मुझे जाना है ये कालासुर आखिर था कौन। मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे भी कोई नहीं दिखा। धर्म तू यहाँ पे क्या कर रहा? धर्म को मैंने यहाँ बुलाया डैड। धर्म के डैड का नाम लिखा हुआ था शीशे पे। मुझे लगा इसे बुला के पूछ लेते हैं, शायद इसे कुछ पता हो। नहीं पर क्या हुआ? ये मीनाक्षी चाची की जान लेने की कोशिश की है किसी ने। शीशे पे लिखा है लाखा कहाँ रहता है। क्या? चल मैं दिखाता हूँ। बोलिए इंस्पेक्टर। बड़े ठाकुर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? हम बिरजू को पुलिस की गाड़ी में ले जा रहे थे, उससे अचानक दौरा पड़ा तो हमें गाड़ी रुकनी पड़ी और मौके का फायदा उठाकर वो हमारे दो हवलदारों से धक्का मुक्की करके भाग गया। हम चारों तरफ उसे ढूंढ रहे हैं। राज, करम, क्या हुआ डैड? पता चल गया कौन कमरे में गया। कौन आया था? बिरजू। बिरजू? वो पुलिस को चकमा देकर भाग गया। बिरजू मेरे कमरे में रीच किया था। हमारी किस्मत बहुत बुलंद है, देख कायनात भी हमें एक करने की साजिश रच रही है। शक की सुई हम पर नहीं और अब इनका गुनहगार सिर्फ वो बिरजू। ब्रो साहब नहीं,
आप रॉन्ग नंबर पे जा रहे हैं, जरा थॉटफुल कीजिए। 25 साल ऑनवर्ड्स, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या डेट दे रही हूँ? आज मेरी रात है सुहासनी और मेरे मिलन की रात। पहले भले आप नहीं थे, पर हम सब ने गेट टुगेदर होके देखा था, हमने सुना था, वो कह रहा था। तंत्री को काट दिया, परंतु तंत्री को कैसे काटोगे? जैसे मैं तेरे साथ सुहागरात नहीं बना सका, तेरे परिवार की कोई भी लड़की सुहागरात नहीं मना सकेगी। वो बिरजुई था, पुलिस उसको ढूंढ रही है और उसको पकड़ लेगी। लेकिन ब्रो साहब ऐसे आप तो सो जाइए और धर्म तू भी अपने घर जा। मैं बाद में मिलता हूं तुझे। वो देख, वो देख, वो धर्म, ये काका का बेटा है। अब यही बेटा हमें इसके बाप तक लेके जाएगा। अब काका सामने आएगा। जा इसका पीछा कर। धर्म, थैंक्स। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो वो मुझे मार ही देता। अरे पर इसकी क्या जरूरत है? दोस्त का दोस्त दोस्त ही हुआ ना। दोस्त? कौन दोस्त? यू मीन राज? नो वे, वो किसी भी एंगल से मेरा दोस्त नहीं है। हाँ, पर तुमने मुझे दोस्त कहा तो दोस्ती के नाते मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ। वो बिरजू कौन है और वो मंदिर में क्या कर रहा था? लोग कहते हैं कि वो कई सालों से वो मंदिर में था। और वो मिरर पे क्या लिखा था? वो तुम्हारे पापा के बारे में क्या पूछ रहा था? इसका मतलब कॉल का उसकी फैमिली ने 25 साल पुरानी वो बात उस श्राप के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे भी नहीं बताना चाहिए, बेकार में टेंशन हो जाएगी। धर्म, क्या सोच रहे हो? ये सब टेंशन क्या है? क्या चल रहा है ये सब? इतना मुझे पता है कि एक तांत्रिक हुआ करता था, काला सुर, जिसने इस छोटे से शहर में बड़े बड़े कांड किए और बहुत ही बुरे बुरे काम किए। और वो बिरजू शायद उसी का साथी था। उस तांत्रिक को मारकर गांव वालों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके टुकड़ों को गाड़ने का काम मेरे बाबा को सौंपा। जिस रात मेरे बाबा गए उसे, उस रात मेरे बाबा के साथ जो कुछ भी हुआ वो। क्या हुआ तुम्हारे बाबा के साथ? छोड़िए ना, पुरानी बातें याद करके दिल दुखता है। आई कैन अंडरस्टैंड, हम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना है। पर मैं हूँ यहाँ कुछ दिन, अगर तुम्हें कुछ शेयर करने का मन हो तो तुम मुझसे मिल सकते हो। वी आर फ्रेंड्स। धर्म, रुक जा मेरे भाई, तू क्या कर रहा है? शुक्र मैं वक्त पे पहुंच गया, नहीं तो आज तो जानता है पुराने जमाने में ना बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े लोग कैसिनोवा टाइप, कैसिनोवा समझता है मतलब बाबू टाइप के लोग, छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी प्यारी मासूम लड़कियों को फंसा के उड़नचू हो जाते थे। और वो लड़कियां, वो बेचारी गाड़ी के पीछे पीछे भागती थी, बाबूजी मुझे छोड़ के मत जाओ बाबूजी। लेकिन अभी सीन उल्टा हो गया। अभी ना बड़े बड़े शहरों की ऐसी हॉट चिक्स छोटे छोटे शहरों में आती है, ऐसे मासूम प्यारे से हैंडसम लड़कों को फंसाती। पता है क्या बोलकर? अगर तुम्हें कभी भी दोस्त की जरूरत हो ना तो मुझे जरूर फोन कर लेना। ऐसा मत करना, ऐसा किया ना तो रात के 12 बजे ना बड़े बड़े दांतों वाली चुड़ैल उसके पैरों के नीचे पाएगा अपने आप को, समझा? तुम फिर शुरू हो गए? मैं खत्म कब हुआ था जो शुरू हो जाऊंगा? तुमने अमन के सामने क्या प्रॉमिस किया? Hey, Miss Fire. Just relax, okay? Stop argo glowing. अपने ये ब्रांड न्यू फ्रेंड को बता कि ये मुझ पे फालतू के एलिगेशंस ना लगाए। धर्म, इसने भी क्या बोला? मैं अभी क्या, मैंने कभी भी क्या बोला?
गया लाखा, अब मेरे शरीर के टुकड़े भी मिल जाएंगे। अब मेरे जुड़ने का समय आ गया। मैं फिर आऊंगा और फिर आएगी वो कयामत, वो कयामत की रात। आई नो घर में टेंशन चल रही है, पर बड़ों की बातें सुन के लग रहा है कि आजकल में वो शादी फिक्स कर देंगे, तो जो भी करना है अभी करना पड़ेगा। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा, मैं हूँ ना, मैंने बोला ना फुल प्रूफ प्लान बन चुका है, कल सुबह तक तेरी शादी टूट जाएगी। अब तो ये शादी प्लान के बिना ही टूट जाएगी, जब तुम दोनों का शादी तोड़ने का प्लान मैं सबको बताऊंगी। अब क्या हो गया? तुम्हारे ये सो कॉल्ड राज, उसने अपनी प्रॉमिस तोड़ दी है। अब मैं पृथ्वी अंकल के पास जाकर तुम दोनों का इमेज तोड़ूंगी और ये शादी तोड़ने का जो प्लान है ना उसे एक्सपोज करूंगी। अब ये शादी मैं तोड़ूंगी। अब तूने क्या कर दिया, रोक से वो जा रही है ताऊजी के पास। अंकल वापस दौरा पड़ा है, मैं देखता हूँ। अगर लाखा ने अपने घर वालों को तेरे बारे में बता दिया तो सारा रात खुल जाएगा, मेरे वापिस आने का रास्ता बंद हो जाएगा। मार देगा मुझे, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ बाबा। अब शांत बाबा, शांत बैठ जा के देखता हूँ। मार देगा, मार देगा, मार देगा पंडित, तुझे मार देगा, मुझे मार देगा। कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं है अंदर बाबा, कुछ नहीं है। नहीं नहीं, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तुम लोगों को बस एक ही शक्ति बचा सकता है बाबा, ये बंद धर्म, बंद अपने हाथों में, इसको बांध, इसको इसको ले, तू ही बांध, तू रक्षा करेगा, तू रक्षा करेगा, तुझे मारेगा नहीं। अगली कोई बांध, मुझे ही बांध दे, बांध दे, ले लो, मर गया। क्या हुआ बेटा? अंकल जी, वो मैं क्या कहना चाहती थी ना, वो मैं जानती हूँ कि घर में बहुत कुछ हो गया है, बहुत टेंशन है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिरजू पकड़ा जाएगा, बच के कहा जाएगा। गुड नाइट, गुड नाइट। ये तुम लोग अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो डैड, मैं बैकग्राउंड चेक कर रहा था, बिरजू के बारे में अगर कुछ पता चल जाता तो। गुड नाइट। गुड नाइट डैड। बच गए बच्चू, एंड मोमेंट पे सॉरी बोल दिया इसलिए छोड़ दिया, वरना अंकल तुम्हें नहीं छोड़ते। तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन अंकल को नहीं। वो क्या कहते हो कि तुम मुझे जानते हो, अगर तुम मुझे सच में जानते ना तो तुम्हें पता होता कि मैं अंकल को ऐसा कुछ भी नहीं कहती जिससे अंकल का दिल टूट जाए, समझे? हाँ, अब आप मुझे ये बताओ आपने मोली क्यों बांधी है? हो हो हो, वो तेरी रक्षा करेगा। धर्म धर्म धर्म, अंदर हाथ है, मैंने अपनी आंखों से देखा, कटा हुआ हाथ। जिस दिन मेरे शरीर के ये तीन टुकड़े जुड़ गए, मैं फिर आऊंगा।
तेरे हाथ में बंदा सब मार दे तुझे भी मार दे अंजलि अंजलि का अंजलि अंजलि आ जा मेरे पास सब यहां पे सब यहीं मत मार दे शांत बाबा शांत मार दे मैं आपके पास हूं बाबा कोई नहीं जा रहा बाबा आंखों से देखा मैंने अपनी आंखों से देखा बहुत खतरनाक है वो ए ए ए ए क्या कर रहे हो कुछ नहीं बाबा कुछ नहीं मैं पागल हूं बहुत खतरनाक है जिसको गांडे के लिए ना ठाकुर नेट को भेजा था ठाकुर आए तो हत्या करके निकल गए पाप चढ़ाए इनके सर अब वो वही से बदला लेने आया होगा वही होगा अंजलि धर्म वही होगा उसी का हाथ होगा राखा तुझे देख चुका है कदर और उसके सामने बताना आना तो ऐसे आना कि मैं सामने आ सकूं मुझे मेरे शरीर के टुकड़े चाहिए जो यही बताएगा डॉक्टर साहब मेरे बाबा को ठीक कर दो 20 साल से इनकी यही हालत देख रहा हूं 25 साल पहले पता नहीं इनके साथ क्या हुआ था लेकिन उस हादसे की वजह से ये पागल हो गए राखा पागल नहीं नहीं ये नहीं हो सकता एक यही तो है जो जानता है मेरी जान और मेरे शरीर के टुकड़े कहाँ हैं और अब ये पागल ये कैसे बताएगा कि मेरे टुकड़े कहाँ हैं लगता है उस रात मैंने जो इस पे वार किया था ये उसी का असर है अब कौन बताएगा कि मेरे टुकड़े कहाँ हैं मुझे मेरा शरीर चाहिए मुझे ढूंढना है कि मेरा शरीर कहाँ है जा रही हूँ जल्दी आना सॉरी अभी टाइम नहीं और भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है मेरे पास और अगर कुछ अर्जेंट है ना तो मेरे दरवाजे के बाहर लिख देना टाइम होगा तो मैं पढ़ लूंगी ओके बाय हाय जान स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को